नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौतमी और गौतम इस रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस 26 जनवरी की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज ट्राई कलर से कुछ अलग रेसिपी बनाने वाले हैं, तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्राई कलर का इस्तेमाल करके कुछ अलग से रेसिपी बनाई है, आप भी खाइए और आपके घर वालों को खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना और बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो 26 जनवरी के दिन मैंने यहाँ पर घर में पूरी और भाजी बनाई है, तो भाजी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने मिक्सर के जार में अनियन लिया है मीडियम साइज़ का, एक या फिर दो ले सकते हो। अदरक और लहसुन लिया है, इसको बारीक पेस्ट बनाकर ले लेना है। तब तक के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आलू लिए हैं, 2 से 3 आलू बारीक चॉप करके हमें लेना है। अच्छे से पानी से धोकर इसको 1 चम्मच तेल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। लगभग 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये रेसिपी जो है किसी की कॉपी की नहीं हुई है, मैंने यहाँ पर खुद रेसिपी ट्राई की है उसके बाद ही शेयर की है। आप यकीन नहीं मानोगे इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी क्विकली और झटपट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है या फिर कुछ अच्छा बनाने वाले हो, तो पूरी के साथ ये रेसिपी यानी कि पूरी के साथ जो ट्राई कलर की सब्ज़ी है ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये कैसे बनी थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ आधा टुकड़ा जो है बीटरूट का लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के कट करके, और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अनियन और जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट बनाई थी वो कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाल के उसको अच्छे से भून लेना है। तो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक भुनेंगे। और साथ ही में हमने यहाँ पर हरी मटर ली है। हरी मटर जो है ट्राई कलर में आती है, तो देखिए वाइट और हरा कलर यहाँ पर बन चुका है। इसको भी अच्छे से भुनेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आलू, फ्राई किया हुआ आलू हम इसमें ऐड करेंगे। जो फ्राई किए हुए आलू है उसे जो है सब्ज़ी का ज़्यादा टेस्ट जो है बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सब्जियां जो है फ्राई करके ही बनाई जाती है, उसका टेस्ट जो है लाजवाब बनता है। तो इसी तरह से देखिए हमने मसाले डाल के उसके बाद हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाल के फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है टमाटर और बीटरूट का जो है मिश्रण, और इसमें मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ट्राई कलर की रेसिपी यहाँ पर इस तरह से बनके हो चुकी है। अब सस्पेंस बाकी है, सब्ज़ी पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आपको एक टिप्स शेयर कर दूं दोस्तों, अगर आप सब्ज़ी बनाते हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी जल्दी पकने में हेल्प होती है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसमें तुरंत डाल दिया है, तो इससे क्या होता है कि सब्ज़ी हमारे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसके लिए अभी देखिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे तरीके से मसाले सारे एकजुट कर लेंगे, यानी कि कढ़ाई को नीचे से चिपकने नहीं चाहिए, इसलिए इसको अच्छे तरीके से घुमाया है। इसको हाई फ्लेम में ही पकाना है, इसके ऊपर प्लेट ढक के अच्छे तरीके से इसको पकने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट, इसको 5 मिनट के बाद प्लेट ओपन करके एक बार चेक कर लेना है। और इसको एक बार चेक करने के बाद इसमें हमने लगभग 1 बड़ा चम्मच जो है कांदा लहसुन का जो मार्केट में मसाला मिलता है सुहाना का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसकी वजह से सब्ज़ी का जो है फ्लेवर ज़्यादा निखर के आता है। तो इसी तरह से झटपट बनने वाली ये सब्ज़ी आप भी घर में ट्राई करना, पूरी सब्ज़ी के लिए ये सब्ज़ी परफेक्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप पतली भी रख सकते हो, थिक चाहिए तो आप सब्ज़ी थिक भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ट्राई कलर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इससे ये सब्ज़ी बनाकर आपके लिए सर्व की है। तो इसी तरह से आप भी जो है ट्राई कलर से कुछ अलग अलग डिशेस बनाएं और घर वालों के साथ इंजॉय करें। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना और मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को प्रमोट करना। तो इसी तरह से आपके साथ की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करके बेल आइकन पे प्रेस करके मेरे इसी तरह से अगर वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन पे प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।